अगर मैं आज आपसे पूछूं तो रेसलमेनिया 34 का मेन इवेंट क्या होगा, तो आपका सिंपल जवाब होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। 95% ऑफ द लोग आप में से यही सोचते हैं, और WWE की हमेशा से एक ही कोशिश रही है कि वो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल थी, है और रहेगी। तो अब WWE कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जो कि पहले ही प्रेडिक्ट हो जाए। सबको पता है अगर ऐसा होगा तो रोमन रेंस जीतेगा और सिंपल क्लियर विन होगी। और WWE को लगता है अगर हम रोमन रेंस को बार बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर डालेंगे तो ये दोबारा से थम्स डाउन होगा WWE के लिए, जो कि WWE ने पहले जॉन सीना के साथ किया हुआ है। तो अब शायद विंस मैकमैन को अकल आ रही है और विंस मैकमैन सोच रहा है कि किस तरह से प्रॉपरली रोमन रेंस को यूज किया जाए और कैसे एक बेहतरीन मेन इवेंट लाया जाए जो कि हम सब लोगों को पसंद आए। तो अभी जो WWE सोच रही है, ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है मेन इवेंट लायक नहीं है, जो कि अभी तक WWE का कहना है, जो कि PW इनसाइडर ने लीक किया था कि WWE को लगता है कि ऐसे मॉन्स्टर बहुत आए और बहुत गए, अगर हम इसे चैंपियन बना देंगे जो हमारे पास बैकस्टेज टैलेंट पड़ा हुआ है हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। और पिछले कुछ 6 महीने क्या 1.5 साल से देखो, वही 4-5 सुपरस्टार्स रिपीटेडली चैंपियनशिप मैच में आ रहे हैं, वही WWE ने मेन टाइटल पिक्चर में डाल रही है। तो WWE ने कुछ नया सोचा है। मैं सोच रहा था ये वीडियो तब बनाई जाए तब ब्रॉक लेसनर का मेन इवेंट अगला टीज्ड हो जाए, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे लगा ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अभी WWE में क्या चल रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कौन होगा अपोनेंट, तो कहना तो बहुत मुश्किल है, शायद जेसन जॉर्डन भी हो सकता है क्योंकि WWE इस पर नया सुपरस्टार तलाश कर रही है। पर जहां तक मुझे लगता है WWE को पता है एक नए सुपरस्टार के साथ मेन इवेंट बनाना इतनी आसान बात नहीं है, तो मुझे लगता है इस बार शायद WWE जॉन सीना को प्लान कर रही है, क्योंकि जॉन सीना के पास उस टाइम तक कोई फ्यूड नहीं होगा और काफी साल हो गए जॉन सीना रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं करा। फिलहाल WWE में सबसे ज्यादा रेटेड सुपरस्टार वही है, चाहे रोमन रेंस के पास फॉलोइंग ज्यादा हो या फिर हेटर्स भी ज्यादा हो, पर अगर जॉन सीना किसी शो पर प्रेजेंट हो तो रेटिंग्स बढ़ जाती है। अगर आपको नहीं पता तो जाकर ग्राफ देखो जॉन सीना के होने और ना होने से कितना फर्क पड़ता है, तो शायद यही हो सकता है। पर जब भी अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट निकल कर आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखी ली तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूँ हरमन।